आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, 1C का कौन सा सवाल नंबर 4 बताने वाले हैं। तो कौन पढ़ेगा यहां से क्वेश्चन? चलो एक लोग खड़े हो जाओ, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े की योगफल -2/9 हो। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। हाई स्कूल में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, और आप अभी 8वीं क्लास में हो, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीख लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 6/7 में हम कौन सी संख्या जोड़ लें। तो हमेशा जब ऐसा प्रश्न करे कि कोई संख्या जोड़ने या घटाने वाला, तो क्या करना है, कह रहा कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो हम क्या जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं हमने जोड़ लिया x, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, -2/9। अब इसको हल करके हमको x का मान निकाल लेना है, बस हमको मान पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या हमको जोड़ना है। चलो इसको हल करते हैं, बैठ जाओ। हमने पहले वाले सवाल में इससे पहले बताया कि संख्याएं अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती हैं तो उनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, तो यहां हो जाएगा 2/9, और जैसे ही ये संख्या उस साइड में जाएगी क्या हो जाएगा, -7। अब दोनों संख्याओं का क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लासा निकालेंगे, तो कितना आएगा इसका लासा, 9 7 63। अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा मार देंगे, 7 × 14 -9 × 54। संख्याओं के बीच में चिन्ह कौन सा है, दोनों साइड में माइनस चिन्ह है, इसलिए संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जोड़ लो इसको, क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6/63। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि अगर हम 6/7 में ये संख्या जोड़ लें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, -2/9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहतरीन है आपका, इसको उतारिए। चलो दूसरा क्वेश्चन हल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें का, -7/12 में कितना जोड़ा जाए। तो जब भी कितना जोड़ा जाए मतलब क्या जोड़ना है, एक्स जोड़ना है, और योगफल कितना जाता है, 25/36। अब इसको हम हल करेंगे, हाँ हल करके इसको उत्तर में लिखना है। यहां पे एक्स इस साइड में रहेगा, ये माइनस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 7/12। और अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है, लासा निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का, 36 आएगा। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया, क्या बताया, यहां पे हमको गुणे का चिन्ह प्लस 7 लिख के गुणे का चिन्ह। अब 36 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 36 आएगा, 1, और 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 36 आएगा, 3। चलो अब इसको हम और आगे हल करते हैं, 25 × 21 = 36। एक्स इज इक्वल टू हम जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 4/36 कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 × 4 और 2 × 6 = 2, 8 × 16, यानी आंसर आ जाएगा 23/18। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। चलो अगला वाला क्वेश्चन हम हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 कह रहा है, 2 प्रमेय संख्याओं का योगफल, योगफल दिया है कितना, योगफल दिया है -5। यदि इनमें से एक संख्या, तो यहां पे दिया है पहली संख्या दी गई है -16/7, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इस सवाल को हम हल करेंगे पहले। तो यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि देखो योगफल कितने संख्याओं का योगफल यहां दिया है, 2 संख्याओं का, तो पहली संख्या
पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना दिया गया है, माइनस पांच। अब यहां पे देखो पहली संख्या हमको मिली कितना, माइनस 16/7, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, एक्स बराबर माइनस पांच। ठीक है, आगे हल करते हैं। अब यहां पे देखो एक्स है, यहां पे एक्स रहेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली संख्या को उस साइड में ले जाएंगे, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 16/7। किसी भी संख्या के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो 7 × 1=7, 7 × 6=35 और कितना, 16 × 1=16 प्लस में। अब पहले बताओ संख्या आगे कौन सी आएगी यहाँ पे, प्लस की माइनस, माइनस घटा दो कितना बचेगा, कितना बचेगा बोलो, घटाने पे कितना बचेगा यहाँ पे, अगर 15 में से हम कितना घटा दें, कितना आएगा 19, 15 में से अगर 6 घटाएंगे तो 9, और यहां पे बचा 2, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 19/7, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, यानी दूसरी संख्या ये आएगी। क्लियर, ओके, उतार लो।